तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से इंस्टाग्राम पर किसी की भी पोस्ट की हुई फोटो या वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने अपनी फोटो है वो यहाँ पे पोस्ट की है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है हम इस पर क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाता है। यदि हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें बाहर आके यहाँ पे जो ऊपर मेमोरी जैसा आइकन दिया हुआ है हम इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यदि हम इसको देखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ में इसको शेयर करना चाहते हैं तो हम कहीं भी इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना। और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है लॉग इन विथ फेसबुक। तो हमें इस पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम से आप इसको लॉग इन करते हैं तो शायद लॉग इन नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ फेसबुक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो फेसबुक का जो यूजर नेम है या फिर उसकी जो आईडी है, और उसके बाद दोस्तों उसके जो पासवर्ड है उसके साथ यहाँ पे इसको लॉग इन करना है। फेसबुक के साथ लॉग इन करने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो लुक है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप किसी की भी पोस्ट की हुई इमेज या वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों मैं इस व्यक्ति की जो इमेज है या वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया। और उसके बाद दोस्तों यदि मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ डायरेक्ट मैं जिस भी इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ हमें इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि हम इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।